उसमें आयशा ज़्यादातर मेरी मेरी कोशिश होती है कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट के साथ गाया जाए जो जिसमें सस्टेन होता है. जैसे कई जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो फॉरन टक 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 करके ख़त्म हो जाते हैं. कई होते हैं जिनके कॉर्ड्स और जिनका एक सुर बरकरार रहता है, जिसमें हारमोनियम है, जिसमें तानपुरा है. मेरी ज़्यादातर जो प्रैक्टिस होती है वो आई हैव अ वेरी क्यूट लिटल इलेक्ट्रिकल तानपुरा, वो मैं उसको चला लेती हूँ और साथ हारमोनियम से थोड़ी बहुत मेलोडीज में टच करती रहती हूँ और बहुत ज़्यादा इन्जॉय करती हूँ. बिकॉज़ वो जो सुर है ना, वो पूरे माहौल में एकदम रच जाता है. अच्छा फरिया, क्लासिकल म्यूज़िक जो होता है ऑब्वियसली उसमें राग्स होते हैं, तो उनका एक पर्टिकुलर मूड और एक टाइम होता है और उसके अलावा वो नहीं गाए जाते. तो डू यू थिंक कि पॉप म्यूजिक जो है वो इन सारी चीज़ों से फ्री है, यू नो, कि देयर इज नो सेट टाइम और मूड फॉर इट? नहीं आयशा, मैं इस बात से इत्तेफाक इसलिए नहीं करूँगी कि बेसिकली मेलोडी जो होती है ना किसी गाने की, वो तभी अच्छी और सुरीली बन सकती है जब उसमें हल्का सा कहीं राग का इफेक्ट दिया जाए. तो बेसिकली बिकॉज एक ही राग पे तो हम सारी चीजें नहीं बना सकते, हमें मिक्सचर मिक्स करना पड़ता है सब कुछ. तो एक डिफरेंट और एक यू नो चीज सामने आती है. तो बट जिस तरह से मेरे म्यूजिक में ऐसे होता है, एक चीज होती है अब बिल्कुल ही डिस्टॉर्टेड साउंड्स होती है ना, जा जा करके एक चीज बन रही है. बट मेरे म्यूजिक की प्रॉब्लम ये है कि उसमें, बिकॉज अक्सर लोग मुझसे कहते हैं कि आप शायद ऑब्वियसली क्योंकि हम लोग सुनते रहते हैं ना, जैसे डिस्टॉर्टेड म्यूजिक होता है, जैसे रॉक स्टाइल होता है, जैसे यू नो, बट मेरे म्यूजिक में थोड़ा सा मेलोडी ज़रूर होती है. और वो इसीलिए होती है कि मैं, मेरे जो कंपोज़र हैं, जब हम लोग बैठ के कोई गाना शाना बनाते हैं लिरिक्स सामने रख के, तो हम लोग बात शुरू ही वहीं से करते हैं जहाँ से सुरीलापन शुरू होता है. अच्छा फरीहा, चेंजिंग जो म्यूजिक का सीन है आजकल, दैट म्यूजिक इज चेंजिंग ऑल द टाइम, वो इस चीज़ को जस्टिफाई करता है कि पॉप म्यूजिक एग्जिस्ट्स, ठीक है ना? पॉप म्यूजिक इसीलिए एग्जिस्ट करता है बिकॉज म्यूजिक इज चेंजिंग. बिल्कुल. सो डू यू थिंक जब हमारे जो व्यूअर्स हैं वो पॉप म्यूजिक से जब तंग आ जाएंगे, तो इसके बाद क्या आएगा? विल इट बी समथिंग वेरी डेंजरस और समथिंग वेरी बैड? व्हाट? बाकी सोचने की बात है कि पॉप के बाद जो म्यूजिक आएगा वो क्या होगा. लेकिन आई थिंक मेरी एक थ्योरी थोड़ी सी डिफरेंट इसलिए है, मैं सोचती ऐसे हूँ कि अगर फर्ज करो कि आयशा, अगर पॉप जो है वो बेसिकली तो फास्ट म्यूजिक को कहते हैं ना, और फास्ट म्यूजिक में मेलोडी होती जरूर है मगर हम लोग ज्यादा ख्याल मेलोडी की तरफ नहीं करते. तो शायद बिल्कुल ही स्लो म्यूजिक आ जाए, सॉफ्ट मेलोडियस नंबर्स आ जाए, यू नो, दैट इज अ पॉसिबिलिटी. बिल्कुल. लेकिन लाइफ तो जो हमारी है, इट्स बिकमिंग फास्ट एंड फास्ट एवरी डे, तो उसमें कैसे वो स्लो म्यूजिक, यू नो, हाउ विल दैट फिट इन? मैं एक तो मैं ये थोड़ा सा इसके साथ वो इसलिए मैं सोचती हूँ, मैं बिकॉज इस बारे में जब हम लोग गा रहे होते हैं तो बहुत सोचते हैं, यू नो, कि जब मैं गज़ल गाना चाहती हूँ, बिकॉज देयर आर फ्यू पीपल जो सुनना चाहते हैं गज़ल या स्लो नंबर्स, तो वहाँ मुझे एक अजीब सब एक क्राउड खड़ा हो जाता है कि ये वी वांट सम फास्ट म्यूजिक इन दिस थिंग ना. तो वो मुझे उस जगह पर मैं खड़ी होकर सोचती हूँ कि अब मैं क्या करूँ, यू नो. तो हो सकता है कि स्लो म्यूजिक आ जाए, और मैं इससे एक वो बात कर रही हूँ, बट वाकई ऑब्वियसली कि लोग इतनी फास्ट जिंदगी, मे बी दे वांट अ लिटिल ब्रेक फ्रॉम इट, बिल्कुल गाने में ही हम स्लो जरा हो जाए. हाँ, हो सकता है. सही है. अच्छा फरिया, जो एक पोएट होता है उसका एक कॉन्सेप्ट होता है, एक मैसेज होता है, जिसको जो सिंगर होता है वो ऑडियो पे एग्जीक्यूट करता है, ठीक है, और एक जो वीडियो डायरेक्टर होता है वो उसको स्क्रीन पे एग्जीक्यूट करता है. तो डू यू थिंक जब एक वीडियो बन जाता है एंड एवरीथिंग इज डन, तो उसके बाद जो एक्चुअल मैसेज होता है पोएट का, मतलब वो बदल जाता है, और इज देयर इफेक्ट ऑन इट, और डज इट चेंज कम्प्लीटली, और डज इट स्टे द सेम, कि जो पोएट कहना चाह रहा था वही वीडियो हुआ है? अच्छा, ओके. वो बात फिर वही हम आ जाती है कि जब लिरिक्स, अगर तो हम जो लिरिक्स हैं उनके हिसाब से वीडियो बना देंगे तो फिर तो ऑब्वियसली उसकी बात फौरन क्लियर हो जाती है. बात अदरवाइज भी क्लियर हो जाती है, मेरा ख्याल है. जब हम कुछ और शो कर देते हैं, एक लम्बी कार की बात हम ले लेते हैं, उसकी जगह हमने कोई साइकिल दिखा दी है, मगर बेसिकली लोग सुन तो रहे हैं ना, तो वो जहन में उनके कार ही होगी, लेकिन
थोड़ा थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं फर्क जरूर होगा कि जितनी अवेयरनेस अब आ गई है, सब सोचेंगे कि तस्करा तो लम्बी कार का कर रहे थे या व्हाटएवर गाड़ी की बात कर रहे हैं, तो साइकिल कैसे दिखा दी. बट लाइक सपोज इट्स अ वेरी स्लो एंड रोमांटिक सॉन्ग और उसके अंदर आप फास्ट लाइफ दिखा रहे हैं ये वो, तो तब तो आई एम श्योर कि द व्यूअर्स विल नॉट थिंक कि अच्छा ये असल में उससे थोड़ा सा वो नो डिफरेंट हो जाता है और लोगों की जो जहन है ना वो अजीब स्कैटर हो जाएगा माइंड ना. तो आई थिंक ज्यादा कोशिश यही करनी चाहिए कि लिरिक्स पे ही पोएट बेचारे को ना पीछे छोड़. बिल्कुल बिल्कुल दैट्स राइट. अच्छा फिर यह जो दिल होता है वो इट्स एन ऑब्जेक्टिव ऑफ रोमांटिक फीलिंग्स, ठीक है ना, इट्स अ सिंबल ऑफ रोमांटिक फीलिंग्स. तो अब दिल का चोरी हो जाना या चोरी चोरी दिल को यू नो किसी से ले लेना उस तरह, तो इन चीजों से डू यू थिंक दैट द फंक्शन ऑफ द हार्ट चेंजेस या फिर उसका वही फंक्शन होता है कि भाई ब्लड पंप करना है हार्ट. वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी फनी क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग. उसमें ये है सिलसिला कि आई होप कि दिल सिर्फ एक चार खानों वाली चीज है. और बस पता नहीं क्यों बेचारे दिल की शामत बात आती है. ऑब्वियसली अगर चोरी हो जाए तो आप जिंदा तो नहीं है ना, जिंदा तो आप इफ यू डोंट हैव अ हार्ट. ओके बिल्कुल सही. आई थिंक दैट्स व्हाट द इसका मतलब है कि अगर चोरी हो जाता है और हम जिंदा रहते हैं तो दैट फिर दिल नहीं है बेसिकली, इट्स आवर ब्रेन. Brain okay. I know. It is a beautiful thing that sing it for us first. अच्छा ओके फिर हम आपको इस बात का तो मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था. ओके आई विल ट्राई अगेन स्पेशली आई डेडिकेट दिस सॉन्ग टू आयशा. ओके थैंक यू. व्हाट अबाउट द पोएम व्यूअर्स, उनको नहीं, उनके लिए तो सारा इंटरव्यू है ना भाई. ओके थैंक यू. ओके कभी तो नजर मिलाओ कभी तो करीब आओ, जो नहीं कहा